वेलकम बैक टू एवन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए जरा एक मेरा कस्टमर कंप्लेन था जो कि आप देख सकते हैं, 7 तार वाला हमारा टाइमर है जो वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, ठीक है। और ये हमारा सेलेक्टर स्विच है। तो देखिए 7 तार वाले वायर में होता क्या क्या है, जरा हम वायर के बारे में हम समझा दें, इसके वायरिंग कैसे करेंगे आप। तो ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, आप जहाँ 3 तार वायर मिलेगा आपको, 3 वायर मिलेगा और एक तरफ 4 वायर मिलेगा। जिधर 3 वायर मिलेगा और सबसे किनारे वाला वायर आपका एक छोटा वायर निकलेगा, जो वो हो जाएगा हमारा बजर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बगल वाला एक वायर जो दिख रहा है आपको, ये ब्राउन ग्रे कलर का, ये आपका चला, तो ये जो ग्रे कलर का है ना, वो चला जाएगा हमारे सेलेक्टर के ये रेड वाले पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बगल वाला है हमारा फेस, यानी ये हमारा जो ब्राउन दिख रहा है, ये हमारा मेन फेस दे देंगे हम टाइमर को, जो कि हमारी मेन सप्लाई आएगी टाइमर के पास फेस की। फिर उधर के उसके बगल में हम जिधर 4 वायर है, ठीक है, जिधर 4 वायर आपको दिख रहा है, 2 वायर ये छोटा छोटा पिन दिखेगा जब आप नया लेंगे तो जो 2 वायर दिख रहा है, एक हमारा ब्राउन और एक हमारा ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपके सेलेक्टर के दोनों पॉइंट पे चला जाएगा, यानी येलो और ग्रीन में, ठीक है, येलो और ग्रीन में ये चला जाएगा दोनों पॉइंट। बचा 2 पॉइंट, ये हमारा चला आएगा मोटर के पास, यानी मोटर में एक होगा रनिंग और एक होगा स्टार्टिंग। तो हम ये नहीं ध्यान देंगे कि रनिंग है स्टार्टिंग है, हमारा किधर भी हम कनेक्शन इस पर दे सकते हैं। तो ये हमारा टाइमर क्या करेगा, फेस कभी रनिंग वाले से आउट करेगा, कभी स्टार्टिंग वाले से आउट कराएगा, ठीक है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान ये देना है कि हमारा जो टाइमर का फेस है ना, टाइमर का फेस वो सही जुड़ना चाहिए, फेस उसके बगल वाला तुम्हारा बजर का होता है, ये जो दिख रहा है पर्पल कलर का, और ये आपका ग्रे कलर का आपका दिख रहा है, ये होगा हमारा मेन फेस, सॉरी ये हो गया आपका सेलेक्टर स्विच, ये हो गया हमारा मेन फेस। अब चेक कैसे करेंगे, अभी तो आपने देखा कि हमने 7 तार 4 तार में हमने आपको समझाया, अब देखिए टाइमर को चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 4 तार में जिधर से, ये जरा मैं दिखा दूँ आपको, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से हाई या लो मीडियम, यानी ये हमारा फेस है जो सेलेक्टर स्विच का है, और ये हमारा मान के चलिए कि टाइमिंग है, यानी हैवी और नॉर्मल, ठीक है, दो चीज़ें आपके पास। तो सबसे पहले तो देखिए ये हमारा, यानी जिधर से 4 वायर है, ठीक है, ये हमारा मेन सेलेक्टर का फेस है, जो कि उसके बाद आपको जो छोटा छोटा वायर मिला है, ये आपका एक हैवी होगा एक नॉर्मल होगा। तो यानी सेलेक्टर का फेस, जो सेलेक्टर का ये टाइमर से 7 वायर टाइमर से फेस आ रहा है सेलेक्टर के लिए, तो ये वाला फेस आपका नॉर्मल या तो हैवी से किसी एक से जुड़ा होना चाहिए, तब जाके आपका वॉशिंग मशीन ऑपरेट करेगा। तब ये कभी इस पे है आपका हैवी पे, तो मान के चलिए कि 5 मिनट चलाएगा, और इस पे है तो मान के चलिए 3 मिनट चलाएगा। तो ये होता है हैवी और नॉर्मल, यानी कपड़े को आप 1 मिनट चलाना चाहते हैं लगातार कि 2 मिनट चलाना चाहते हैं, वो चीज़ मायने रखता है। तो देखिए ये हमारा फेस हो गया और ये दोनों हो गया सेलेक्टर पे, यानी जो सेलेक्टर स्विच है आपका, देख सकते हैं ये हमारा सेलेक्टर स्विच है, ये हमारा सेलेक्टर स्विच है, ठीक है। इसमें 3 वायर दिया है, तो ये वाला वायर हमारा चला जाएगा इस वाले पॉइंट पे, और ये दोनों वाला वायर चला जाएगा येलो पे और आपका ब्लू पे, ठीक है। अब आते हैं जिधर 3 वायर बचा है, अब देखिए हमें 3 वायर जो लंबा लंबा दिखेगा, एक हमारा ये फेस हो गया, ठीक है, जिधर 3 वायर है वो जो लंबा वायर होगा ना वो हमारा फेस है, और 2 वायर जो लंबा लंबा है, जिधर 4 वायर मिलेगा उधर से जो 2 वायर आपका लंबा मिलेगा, जैसे देख सकते हैं हम बांध के रखे हैं इसको, ये नया टाइमर है, कस्टमर कंप्लेन था। तो इसमें 2 वायर जो लंबा दिखेगा ना, ये मोटर पे आएगा, यानी रनिंग और स्टार्टिंग चलाएगा मोटर को। तो चलिए अभी हम टाइमर को चेक करते हैं। तो टाइमर को सबसे पहले हम टाइम देंगे और फेस वाले वायर पर रखेंगे, और इन दोनों पॉइंट को हम पारा पारी रख के चेक करेंगे। तो ये हम टाइमर को टाइम दे दिए और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर हम रख लेंगे, ठीक है, चेक करिए। अब एक वाला वायर हम मेन फेस पर रखे हैं और देखिए मीटर बता रहा है, तो देखिए हमने कंटिन्यूटी को अपने बजर रेंज पे सेट किया और टाइमर को हम देंगे टाइम, ठीक है, और टाइम हम दे देंगे। और देखिए अब देखिए जो इधर ये वाला वायर है हमारा, जो ये फेस है, ठीक है, टाइमर का फेस हमारा ये है, जो कि एसी लीड चाहिए, 220 वोल्ट की सप्लाई हम देंगे इस पर। और बचा ये 2 वायर, जो इधर 4 वायर है उधर से 2 वायर जो लंबा लंबा दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा हमारा टाइमर का उल्टा और सीधा चलाएगा, कभी करंट इस पे आएगा कभी करंट इस पे आएगा। देखिए अभी हमारा ये बजर बता नहीं रहा है, क्योंकि अभी करंट हमारा इस पे है, अभी कुछ मिनट बाद हमारा, यानी कुछ सेकंड बाद देखिए अब इस पे आएगा तो ऐसे बताने लगेगा, और बजर आपका बज रहा है। अब देखिए फिर अभी वो बंद होगा तो फिर इस पे आएगा, देखिए बज रहा है, देख सकते हैं। तो ऐसे हमारा पारा पारी, यानी 7 टाइमर में से जिधर 7 है, जिधर 4 है, वो 2 वायर जो लंबा लंबा दिखेगा वो हमारा फेस हो जाएगा, यानी मोटर का फेस हो जाएगा उल्टा सीधा चलाने के लिए, और फेस हम यहाँ से देंगे। तो कभी करंट हमारा येलो वाले पे जाएगा, कभी करंट हमारा ग्रे वाले पे जाएगा, और ये दोनों चला जाएगा हमारा, ये मेन फेस है सेलेक्टर के लिए, ये वाला वायर जो 3 वायर है वो 1 वायर, और ये दोनों वायर हमारा सेलेक्टर का हाई और लो है, यानी ग्रीन वाले पर रखें तो हमारा मोटर का जो रनिंग है ना वो 1 मिनट चलेगा, और जो ये ब्राउन है वो मान के चलिए कि 3 मिनट चलेगा। तो ये होता है हैवी और नॉर्मल, जो कि हम दिखाते हैं आपको।
ही सेलेक्टर है, यानी दिया ना हैवी और नॉर्मल। तो इसमें एक स्विच लगेगा जो कि यही स्विच है, ये अलग टाइमर है, इसमें एक स्विच इस टाइप का आएगा कुछ देखने में आपको इसी साइज का। तो हैवी करेंगे तो हैवी चलेगा, नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 7 तार का टाइमर है, जो वॉच टाइमर दिखा है जो ये वाला टाइमर है, ठीक है। और ये आपका ड्रेन के लिए है, यानी ड्रेन कर सकते हैं। और ये हमारा स्पिन टाइमर है, तो ये सैमसंग का है। तो ये हमारा 7 तार वाला टाइमर है, कितने तार वाला, 7 तार वाला, ठीक है। तो आपको आई होप वीडियो समझ में आया होगा टाइमर के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।